हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जानेंगे, मैंने पिछले वीडियो में बताया था मेरी डाइजेस्टिव पार्ट्स के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में ह्यूमन बींग्स के। आज मैं बताने वाला हूँ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। तो देर किस बात की, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पर हम बढ़ते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये है हमारे पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का क्या होता है, वही काम। एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनल आर सर्टेन ग्लैंड्स विच सीक्रेट फ्रॉम सम एंजाइम दैट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का मतलब कुछ नहीं है, ऐसी ग्लैंड जो कि एंजाइम छोड़ती है, जो कि हमारे जो डाइजेशन होते हैं उसको हेल्प करती है, इसीलिए उनको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। जो मैन होते हैं या फिर वुमेन है, कैसे बात तो एक ही है, बस वैसे मैन बोला है। तो मैं इनके अंदर होती है पांच ग्लैंड्स होती हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स, सैलिवा जिसके अंदर सैलिवा होता है, या फिर हम कह सकते हैं सैलिवा कहते हैं, कहा जाता है थूक को, जो थूक होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड, पेनक्रियाज ग्लैंड, लीवर एंड इंटेस्टाइन ग्लैंड्स। तो बात करते हैं सैलिवरी ग्लैंड की। तो मैंने पहले बताया था ये बक्कल कैविटी, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बक्कल कैविटी क्या होता है। तो इसके अंदर एक सैलिवा होता है दोस्तों, सलीवा है। सलीवा का मतलब मैंने बताया थूक होता है, वो जो हमारा खाना होता है, पानी होता है, वो थूक को अच्छी तरह से मिला दे, थूक उसके अंदर भी अच्छी तरह से मिल जाता है। तो वो छोटे 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 पार्ट्स में मतलब सॉफ्ट हो जाता है वो बहुत ज़्यादा, और पचने में बहुत ज़्यादा मदद करता है ये सैलिवरी ग्लैंड, या फिर हम कह सकते हैं सलीवा। अगले बात करता हूँ मैं, डू यू नो, ये बहुत अच्छे। अवर सैलिवरी ग्लैंड सीक्रेट अबाउट 1000 से 1500 ml तक हमारे शरीर के अंदर सलाइवा होता है। सैलिवरी ग्लैंड के अंदर सलाइवा होता है बहुत ही ज़्यादा, और जो कि फूड के अंदर मिक्स हो जाता है। अब बात करता हूँ मैं गैस्ट्रिक ग्लैंड की। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है, देखिए आपको पता होना चाहिए गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर दो ग्लैंड्स होती हैं, दो एंजाइम्स हो सकते हैं। मैं कहता हूँ एंजाइम कहेंगे हम, ग्लैंड्स नहीं कहेंगे। एक तो होते हैं पेप्सिन, जिसको दूसरा नाम दिया गया है पेप्सिनोजन, और एक होती है प्रोरेन, और उसका नाम दिया गया प्रोनेन। तो हम डिटेल में जानते हैं इसके बारे में कि ये होता क्या है। इन द इंटरनल लिनिंग ऑफ स्टमक आर प्रेजेंट, ये एक स्टमक के इंटरनल यानी बाहरी हिस्से के अंदर होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, और ये और इसके अंदर HCl होता है। हमने पढ़ा होगा हर बार कि स्टमक के अंदर भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक वही है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इसके अंदर दो इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं दो एंजाइम्स होते हैं, जिसका नाम है पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। और इसके अंदर एक एक्टिव एंजाइम गैस्ट्रिक लिपासे, जिसको कहते हैं लिपेस कहा जाता है उसको, अबाउट 1000 to 3000, ये 1000 से 3000 ml तक का होता है, और ये डेली आता है हमारे स्टमक के अंदर, जिसमें से 0.4 से 0.5% तक उसके अंदर HCl होता है। बात करता हूँ मैं पेनक्रियास के अंदर होता है ड्यूडेनम। भाई ड्यूडेनम के कुछ एंजाइम्स को ये छोड़ता है, और एक इसके अंदर होता है पेनक्रियाटिक जूस होता है भाई इसके अंदर। इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं तीन एंजाइम, जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है डाइजेस्ट करने में फूड, इनके बिना शायद ही फूड डाइजेस्ट हो, क्योंकि यही है जिनको जैसे हमारे बिना पानी के फूड होते हैं, जैसे मैं कह सकता हूँ वाटरमेलन हो गया, पपीता हो गया, इनको हेल्प करता है ये पेनक्रियाज। जैसे इसके अंदर तीन तरह के एंजाइम बहुत ही ज़्यादा मेन होते हैं, वैसे तो इसके अंदर सात एंजाइम्स होते हैं, लेकिन 10th क्लास में केवल तीन आए हैं, एमिलाइस, ट्रिप्सिन एंड लिपासे, ये मेन है। अगली बात करता हूँ मैं लीवर की। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे लीवर की। इट इज़ अ लार्जेस्ट ग्लैंड, ये पूरे के पूरे ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है। इसके अंदर के भी बाइल जूस होता है। बाइल जूस आपको पता है क्या होता है, बाइल जूस गैल ब्लेडर से निकलता है और ड्यूडेनम तक जाता है, और ड्यूडेनम मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ड्यूडेनम एक लास्ट पार्ट है जो डाइजेस्ट करता है फूड को, और अनडाइजेस्टेड फूड को वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है। तो वही है ये बाइल जूस जो इसके अंदर होता है, जो पचाने में मदद करता है, लास्ट होता है उसको पचाने में मदद करता है। जैसे कि जो सॉल्ट्स होते हैं हमारे पास, नमक होते हैं, उनको पचाता है। जैसे सोडियम होती है, सोडियम को पचाता है, बस इनको पचाता है। और लास्ट पर मैं बात करता हूँ इंटेस्टाइनल
ग्लैंड्स की। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज का, थ्रू आउट द इंटरनल लिनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये इंटरनल में बाहरी से हिस्से में होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूमरस यूनिसेलुलर ग्लैंड, और इन्हीं ग्लैंड्स को कहा जाता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो कैसी लगी आपको वीडियो, और इसके अंदर होते हैं एंजाइम्स जो कि हेल्प करते हैं हमारे डाइजेस्ट होने में फूड। कैसी लगी आपको वीडियो, अगर अच्छी लगती है तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। फिर मिलेंगे हम एक और वीडियो के साथ, देखने के लिए बाय।